नेक्स्ट है वेलोसिटी मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर है, हम प्लेन मिरर की बात कर रहे थे, अब स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे. अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है, तो स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन थी माइनस वी बाई यू. क्या था हमने स्फेरिकल मिरर में? मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी ओ, तो इमेज नीचे आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी आई, तो वी आई और वी ओ का क्या रिलेशन है ये बताओ. तो रूल नंबर वन, वी ओ को कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर मान लो यहाँ ऊपर ट्रेवल करने का एक्स है और नीचे ट्रेवल करने का इमेज का डिस्टेंस वाई है, तो वी ओ क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी, और वी आई क्या होगा? डी वाई बाई डी टी. तो इसके अंदर जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है? मैग्निफिकेशन इज ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज का हाइट. ऑब्जेक्ट जो इमेज की हाइट है वो कितनी है? वाई है. जो ऑब्जेक्ट की लेट अस सपोज वो कितनी है? एक्स है, कोई भी एक्सिस का डिस्टेंस. तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस का डिस्टेंस इज मैग्निफिकेशन. तो तुम एक काम करो, इसे डिफ्रेंशिएट करो टाइम के साथ, डी वाई बाई डी टी एम इंटू डी एक्स बाई डी टी. डी वाई बाई डी टी क्या होता है? वी आई. डी एक्स बाई डी टी क्या है? वी ओ. शॉर्टकट है, ये भी पढ़ना आपने, एक सीधा शॉर्टकट है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के सामने ऐसे खड़ा हुआ है और वो ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी इमेज जाएगी m टाइम्स 2 मीटर पर सेकेंड, जो भी मिरर की क्या होगी? मैग्निफिकेशन. सीधा फॉर्मूला करना है, प्रूफ सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, कोई प्रूफ आपके पेपर में कोई आपसे लिखवा के देखेगा नहीं. तो आपको क्या याद करना है, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैग्निफिकेशन यही होती है, और वेलोसिटी का भी सेम रिलेशन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है. क्लियर है यहाँ तक?